नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। रोज रात 9 बजे आपके लिए लेकर आता हूं पब्लिक इंटरेस्ट, हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में अकेला ऐसा शो जो छोटी आवाज को बड़ा मंच देता है। पटियाल का हर परीक्षण दर्शकों को जनहित की गारंटी देता है। आज पटियाल सबसे पहले भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सवाल का परीक्षण करेगा। आज मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि चुनाव में वसीयत टैक्स का मुद्दा अचानक गर्म क्यों हो गया। जो टैक्स राजीव गांधी ने हटाया था, उसे फिर कांग्रेस से क्यों चिपकाया जा रहा है। अमेरिका में वसीयत टैक्स है या नहीं, यह भी आपको पता चलेगा। पटियाल पीएम मोदी के भाषण से निकले राहुल के स्कैनर का सच भी आपको दिखाएगा, बताएगा कि हिंदुओं के घर में राहुल का स्कैनर क्या खोज रहा है। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए ओबीसी एससी और एसटी के कोटे में कटौती का कितना दावा सही है। जो हिंदुओं की संपत्ति पर टैक्स और मुसलमानों को रिजर्वेशन की थ्योरी का परीक्षण आप पटियाल के साथ जरूर देखिएगा। राजनीति में मां के मंगलसूत्र की चिंता सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन मां जिसे बच्चे को जन्म देती है उसके बेबी फूड की चिंता किसे है। सरकार, विपक्ष और सरकारी विभाग सब एक कतार में खड़े हैं। पटियाल आज एक बड़ा खुलासा करेगा जिसमें सेरेलैक से आगे की बात होगी। बाजार में सेरेलैक जैसे कितने बेबी फूड मौजूद हैं जो आपके बेबी के लिए खतरा है। बेबी फूड में शुगर की हाई डोज पर खुलासे का पार्ट टू पटियाल के साथ देखना, कोई भी मां खासकर ना भूले। तीसरा परीक्षण मौसम, महंगाई और मौत का है। आपने सुना होगा कि गर्मी की वजह से चुनाव आयोग परेशान है। पीएम परेशान है कि वोटिंग कम हुई तो जीत का समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मी की वजह से मौतें हो रही हैं, महंगाई आ रही है। ये सब बताऊंगा आपको। अपने साथ बच्चों को बिठा लीजिए और ये परीक्षण जरूर देखिएगा, उनके स्कूल का एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। गाड़ी में आपकी सुरक्षा के लिए एयरबैग्स लगाए जाते हैं, इससे गाड़ी महंगी भी हो जाती है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि आपकी गाड़ी में जो एयरबैग्स लगाए जाते हैं वो असली हैं? नकली एयरबैग से परेशान भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का परीक्षण पटियाल के साथ जरूर देखें। आज पटियाल मुस्लिम को आरक्षण और हिंदू पर विरासत टैक्स का परीक्षण करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि क्या भारत में किसी को मुसलमान होने की वजह से आरक्षण मिल सकता है या नहीं, और हिंदुओं की संपत्ति पर टैक्स लगाकर उसे मुसलमानों में बांटा भी जा सकता है या नहीं। चार दिन पहले राजस्थान की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हिंदुओं के खिलाफ मंगलसूत्र छीनो प्लान तैयार कर लिया है। पीएम के उस बयान के बाद चार दिनों से छिड़ी अखिल भारतीय बहस मुसलमानों को आरक्षण देने और हिंदुओं पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने तक जा पहुंची है। पूरी बीजेपी एक सुर में बोल रही है कि मुसलमानों के लिए आरक्षण कांग्रेस का बरसों पुराना सपना है, जिसे पूरा करने के लिए कांग्रेस ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन कोटे में कटौती कर देगी। अब पटियाल सबसे पहले आपको यह बताएगा कि मां के मंगलसूत्र पर मंडराता खतरा विरासत पर टैक्स तक आखिर पहुंचा कैसे। इस पर पटियाल एक बड़ा खुलासा करेगा। सैम पित्रोदा ने भारत में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की वकालत नहीं की है। सैम पित्रोदा ने संपत्ति जब्त करने और मुसलमानों में बांटने के दावे का खंडन किया है। पित्रोदा ने कहा है कि संपत्ति पर कब्जे और पुनः वितरण की बात संभव नहीं है। अब आप कहेंगे तो फिर सुबह से सैम पित्रोदा के नाम पर यह सब चल क्या रहा है। आखिर यह बात कहां से आई कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को फंसा दिया। सैम पित्रोदा के अधूरे बयान को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस वाले खुद चुनाव नहीं जीतना चाहते। उन्होंने प्रधानमंत्री के आरोपों को सच की जमीन दे दी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो भारत में अमेरिका की तरह वसीयत टैक्स लग सकता है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप पटियाल के साथ सत्य का सीधा प्रसारण देखिए। इसकी शुरुआत होगी सैम पित्रोदा के परिचय से। भारत की राजनीति में एक हैं सैम पित्रोदा। कांग्रेस का दावा है कि सैम पित्रोदा भारत में कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन के मास्टरमाइंड हैं। राजीव गांधी की सरकार में बहुत सक्रिय थे। अब सैम अमेरिका में रहते हैं, भारत आना जाना लगा रहता है।
चुनाव में सक्रिय होते हैं या फिर विदेश में कांग्रेस के इवेंट्स के दौरान। भारत में जब मां के मंगलसूत्र और हिंदू संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा गर्म था तो संवाद एजेंसी ANI ने उनकी याद आ गई, यानी किसकी, सैम पित्रोदा की, या उन्होंने ANI को याद किया, मान लीजिए। इसका जवाब राजनीति के कई राज खोल सकता है। अब वो राज खुले उससे पहले आप सैम पित्रोदा को आधार बनाकर PM और गृह मंत्री के बयान को सुनिए, फिर आप सैम पित्रोदा से पूछे गए सवाल और उनके जवाब को सुनिएगा, काफी हद तक सच का पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीत परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सो वन थिंग विच इज द प्राइम मिनिस्टर इज पॉइंटिंग आउट, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया है, क्या मैनिफेस्टो में जो कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाएगी कि किसके पास कितनी संपत्ति है और फिर वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कवायद करेगी। पार्टी वुड कंडक्ट अ सर्वे टू रन अ चेक ऑन हु पोजेसेस द वेल्थ इन द कंट्री एंड अंडरटेक एन एक्सरसाइज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग द पीपल। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का धन लेकर उसे किसी को दे देंगे। इसका मतलब नई नीतियां बनाना है ताकि धन की एकाग्रता को रोका जा सके। यह अधिकार अधिनियम की तरह है। ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि भविष्य की नीतियां ऐसी होंगी कि यह समूह हर चीज में शामिल नहीं हो सकेगा। अमेरिका में भी अधिकार अधिनियम है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ लोग इतने अमीर ना बन जाएं कि उन्होंने सरकार चलानी शुरू कर दी। यही लोकतंत्र की आवश्यकता है। अमीर होने में कुछ भी गलत नहीं है। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? अमेरिका में उत्तराधिकार टैक्स है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद केवल 45% संपत्ति ही उसके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है, जबकि उसका बाकी 55% सरकार ले लेती है। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. ये बहुत दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि अगर आपकी पीढ़ी संपत्ति बनाती है और आप दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी आधी संपत्ति पब्लिक के काम आनी चाहिए। You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. भारत में ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 बिलियन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को 10 बिलियन मिल जाते हैं, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ये सुपर रिच के बजाय आम पब्लिक के हित में है। We are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा ने जो कहा वो आपने सुन लिया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस किसी से संपत्ति लेकर किसी को बांटेगी। वो कह रहे हैं कि देश में संपत्ति के आइलैंड नहीं होने चाहिए, अमीर गरीब की खाई बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसे दूर करने के लिए ऑप्शन पर विचार होना चाहिए। अमेरिका में विरासत टैक्स ऐसा ही एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी कांग्रेस ने कह दिया कि सैम पित्रोदा ने जो कहा है
वो उनके मन की बात नहीं है, मतलब कांग्रेस के मन की बात नहीं है, ये उनकी अपनी बात थी। लेकिन इसे आधार बनाकर पतंग खूब लंबी उड़ी है। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी के लिए कांग्रेस का जाल है। कुछ लोगों का कहना है कि ये संपत्ति, मुस्लिम और मंगलसूत्र बीजेपी के लिए चुनावी जुमले हैं। सच क्या है ये जानने के लिए आप कुछ बयानों को जरा ध्यान से सुनिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। मतलब बीजेपी का काम जो ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनका ध्यान भटकाने का है। कभी इधर भेजेंगे, कभी उधर भेजेंगे, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी बॉलीवुड, आप ही उसमें हैं भैया। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि सबकी संपत्ति ले लेंगे, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस वाले बांटेंगे। अब हम भी जानते हैं कांग्रेस वालों ने एक बार किसी की संपत्ति ले ली तो मात्र अपनी जेब भरी है, गरीब तक कभी पैसा नहीं पहुंचाया। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया, मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एन के एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है, वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करिए, सरिया कानून लागू करना चाहती है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं है कि मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम ध्रुवीकरण का। जहां जाओ मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है, ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इस बात की है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ा दी। अब पटियाल इन बयानों से निकली कुछ प्रमुख बातें आपके सामने रखेगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके ट्रैप में फंस गया है और इन आरोपों का कोई भविष्य है या ये बस यूं ही चुनावी मंच जीतने का जरिया भर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो लोगों से उनकी पुश्तैनी संपत्ति भी छिन जाएगी। कांग्रेस मुसलमानों के लिए दलित और पिछड़ों के आरक्षण कोटे में कमी कर देगी। कांग्रेस पर्सनल लॉ के बहाने देश में शरिया कानून लागू करवा देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर डरा रही है, मुस्लिम आरक्षण से दलितों और पिछड़ों का ध्यान भटका रही है, ये सब कुछ केवल वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। अब पटियाल आपको संपत्ति टैक्स पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है। भारत के लिए ये शब्द और कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है। 1935 से 1985 तक भारत में भी संपत्ति टैक्स का सिस्टम था। इसे स्टेट ड्यूटी के नाम से जाना जाता था, जो पैतृक संपत्ति के ट्रांसफर पर लगता था। स्टेट ड्यूटी की शुरुआत देश में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हुई थी। 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 85% स्टेट ड्यूटी देनी पड़ती थी। 1985 में एक साल के भीतर केवल 20 करोड़ रुपए स्टेट ड्यूटी के तौर पर वसूले गए। इसी साल प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस स्टेट ड्यूटी नाम के टैक्स को खत्म कर दिया था। गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि जो टैक्स कांग्रेस ने ही खत्म किया था, उसी के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब पटियाल आपको मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का सच भी बताएगा। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? इसका जवाब देने के लिए पटियाल आपको एक छोटी सी ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर चलेगा। 2004 में कांग्रेस ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की। याद रहे, धार्मिक आधार पर नहीं।
2004 में ही यूपीए की केंद्र सरकार ने रंगनाथ कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई कि मुसलमानों को 10% और अदर माइनॉरिटीज को 5% आरक्षण दिया जाए। 2004 में ही आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की शुरुआत कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने आंध्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। 2007 में आंध्र की कांग्रेस सरकार अध्यादेश लेकर आई और फिर से 4% आरक्षण देना शुरू कर दिया। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों को ओबीसी के 27% आरक्षण में से सब कोटा बनाकर रिजर्वेशन देने का वादा किया था। 2010 में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2011 में यूपीए 2 में सरकार ने मुसलमानों के लिए 4.5% सब कोटा का प्रस्ताव लेकर आई। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुस्लिम सब कोटा के तहत आरक्षण देने की घोषणा कर दी, लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को गलत मानते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में फैसले का विरोध हुआ, लेकिन वहां भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा। 2023 में कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया और लाभार्थियों को सामान्य वर्ग में 10% EWS कोटे में डाल दिया गया। यह था पूरा इतिहास। यहां पटियाल एक सवाल पूछना चाहता है और वो ये है कि कांग्रेस बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप क्या लगाती है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी कुछ उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रही है, अपने दोस्तों का कर्ज माफ करती है लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं करती। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है। अब इस नैरेटिव को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ रखिए संपत्ति के सर्वे और उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात को। क्या निकर्ष निकल कर आता है, निचोड़ ये निकल कर आता है कि वो ये कि कांग्रेस बीजेपी के समय में अमीर हुए लोगों का पैसा कथित गरीबों को बांट देगी, मतलब इससे मिलेगा कुछ नहीं लेकिन वोटरों के एक सैडिस्ट प्लेजर का जन्म जरूर होगा। इसे आप कांग्रेस का जुमला भी कह सकते हैं, जैसे काला धन खाते में आएगा वो वाला। अब पटियाल आपके बच्चे की जिंदगी में घुलने वाले जहर का परीक्षण करेगा। अब पटियाल आपको बेबी फूड के खतरे की जानकारी देगा। पब्लिक इंटरेस्ट में बेबी फूड पर यह दूसरा बड़ा खुलासा है। आज पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में सेरेलैक से आगे बेबी फूड में खतरे पर सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा है। आपको दिखाएगा पटियाल, क्योंकि उसकी टीम ने बाजार में सेरेलैक के बाद बड़ा परीक्षण किया है। बेबी फूड के अलावा 8 बड़े ब्रांड्स की जानकारी आपको दी जाएगी। बेबी फूड के ये 8 ब्रांड्स में शुगर की मात्रा तय मानकों से ज्यादा मिली है। परीक्षण आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मां और बच्चे का मुद्दा चुनावी शोर में कहीं दब कर ना रह जाए और नीति निर्धारकों को यह ज्ञात हो जाए कि चुनाव ही नहीं देश के बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है, उसका भी ध्यान हमें रखना होगा। पहली तस्वीर विचित्र है। नेताओं को मां के मंगलसूत्र की चिंता है, रैलियों में वोट के लिए नेता मंगलसूत्र का जाप खूब कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हर मां को खबरदार करने वाली है। नेताओं को मंगलसूत्र की चिंता है, लेकिन मां के बच्चे की चिंता कौन करेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे बेबी फूड बिक रहे हैं जो बच्चों को हेल्थ नहीं बीमारियां गिफ्ट देंगे। राजनीतिक दलों का काम केवल चुनाव लड़ना नहीं है, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन कोई दल इन बुनियादी चीजों पर हमारे और आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं दिखता है। इसकी क्या वजह है, आज इसका पूरा विस्तार से परीक्षण होगा। जनहित ही मेरा धर्म है और जनहित ही मेरा कर्म है। बाजार में वो प्रोडक्ट कौन से हैं जो आपके बच्चे की सेहत के लिए डेंजरस है, ये बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। बात 18 अप्रैल की है। आपके फेवरेट शो पब्लिक इंटरेस्ट में हर मां को खबरदार किया था, बताया था मैंने नेस्ले कंपनी के बेबी फूड सेरेलैक में मानक से ज्यादा शुगर पाई गई है। ये प्रोडक्ट 6 महीने से 12 महीने के बच्चों को खूब खिलाया जाता है, लेकिन बेल्जियम की लैब से नेस्ले प्रोडक्ट में गड़बड़ी वाली रिपोर्ट आई थी,
जनहित में सबसे पहले यह खबर पटियाल ने आपको दिखाई थी। हमारी रिपोर्ट के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। राष्ट्रीय बाल आयोग ने सेरेलेक में शुगर के आरोप की जांच FSSAI को सौंपी थी। आज उसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए थी क्योंकि वक्त दिया गया था एक हफ्ते का, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब जल्दी से मैं आपको उसका एक छोटा सा रिकैप दिखाता हूं। आप शान से सेरेलेक लाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। जो बेबी फूड आप बच्चे को खिला रहे हैं उसमें शुगर का लेवल क्या है? टोटल शुगर 23.5 ग्राम, जो कि बहुत ज्यादा है। देश को हेल्दी बेबी फूड की गारंटी कौन दे? सरकार और FSSAI ने क्या किया? शिकायत हमारे संज्ञान में आई है, हमने इसको सुप्रीमोटो कॉग्निजेंस लिया है। बेबी फूड सेरेलेक में शुगर की समस्या पर पटियाल ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सवाल किया। एडेड शुगर छोटे बच्चों में नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, वो अपने एग्जिस्टिंग जो लॉ है उनको अमेंड करे जिसमें ये आए कि शुगर नहीं डालनी चाहिए। जिनके कंधों पर शुद्ध खाने की गारंटी देने का जिम्मा है वो मौन। अब हम उन 8 बेबी फूड का परीक्षण करेंगे जो मानकों पर सही नहीं उतरे हैं और बच्चों के लिए खतरनाक है। हर माँ एक एक प्रोडक्ट को ध्यान से देखे और हर जानकारी नोट भी कर ले। पहला प्रोडक्ट है स्लर्प फॉर्म और ये सेरेलेक बेबी फूड है। 6 से 12 महीने के बच्चों को घोलकर खिलाया जाता है। अब इसका शुगर टेस्ट करूंगा मैं। स्लर्प फॉर्म में 100 ग्राम के अंदर सेरेलेक के एडेड शुगर 9 ग्राम पाए गए हैं। कुल शुगर कितनी है इसमें? 14.1 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स प्रति 100 ग्राम में 79.9 ग्राम मिले हैं। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? दूसरा प्रोडक्ट है एबॉट सिमिलैक स्टेज। ये वो कंपनी है जो बच्चों के लिए सेरेलेक टाइप बेबी फूड बनाती है और तेज विकास का फॉर्मूला देती है। 6 से 12 महीने के बच्चों को दूध और पानी में घोलकर ये पिलाया जाता है और खिला भी देते हैं कई बार। अब इसके डेंजरस पॉइंट नोट कर लीजिए आप। एबॉट सिमिलैक स्टेज में प्रति 100 ग्राम के अंदर 31 ग्राम एडिड शुगर मिला है। 100 ग्राम में कुल शुगर 40 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट्स 61.80 ग्राम मिले हैं। है ना माँ को खबरदार करने वाला खुलासा। आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा आप। तीसरा बेबी फूड है एबॉट सिमिलैक प्लस। इसे 6 से 12 महीने के बच्चों को ही दिया जाता है। अब इसके शुगर टेस्ट की रिपोर्ट देखिए आप क्या है। एबॉट सिमिलैक प्लस में बेबी फूड में इसमें कितना 100 ग्राम के अंदर एडिड शुगर कितना है? 32.2 ग्राम और टोटल शुगर की मात्रा कितनी है इसमें? 44.1 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी है? 56.55 ग्राम। बहुत चिंता की बात है ये शुगर लेवल, देखिए कितना ज्यादा है। बच्चों को मामूली शुगर लेवल भी हानिकारक बताया जाता है। बेबी फूड की डेंजरस सीरीज में अगला नाम है एबॉट सिमिलैक एडवांस का। इसमें कितनी शुगर मात्रा है पटियाल ने जनहित में इसकी भी पटियाल की ध्यान से देखिए। बच्चों का सवाल है इसलिए बहुत जरूरी है ये सब देखना। एबॉट सिमिलैक एडवांस के प्रोडक्ट में 100 ग्राम के अंदर एडिड शुगर 30.6 ग्राम है और कुल शुगर की मात्रा कितनी है इसमें? 40 ग्राम और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो कितना है इसमें? 60.80 ग्राम। ये एक एक करके आप सभी प्रोडक्ट्स को देखते रहिए। डेंजरस बेबी फूड में अगला नाम टॉट्स एंड मॉम्स के प्रोडक्ट्स का है। कंपनी ये दावा करती है कि ये प्रोडक्ट्स मिक्स्ड ग्रेन से बने होते हैं और 6 से 12 महीने के बच्चों को पानी में घोलकर लिक्विड फॉर्म में खिलाए जाते हैं। इनमें क्या खामियां पाई गई हैं इस पर जरा गौर कीजिए। टॉट्स एंड मॉम्स के बेबी फूड में एडिड शुगर की मात्रा कितनी है? 4.1 ग्राम। कुल कितनी शुगर होनी चाहिए इसका उल्लेख कंपनी ने अपनी पैकिंग पर किया ही नहीं। इसमें 100 ग्राम के अंदर 84.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बाकी प्रोडक्ट्स की तुलना में इसमें शुगर थोड़ी सी कम है, लेकिन बच्चों के लिए ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है क्योंकि सारी जानकारियां पैकिंग के ऊपर है ही नहीं। मेरे परीक्षण में छठा प्रोडक्ट कौन सा है? हंगरी कोआला का। इस कंपनी के प्रोडक्ट में दावा किया जाता है कि बेबी फूड मोटे अनाज और सेब से बनाए जाते हैं और सेरेलेक की तरह ही बच्चों को घोलकर खिलाए जाते हैं। अब इसका शुगर लेवल क्या है उसको टेस्ट कर लेते हैं। हंगरी कोआला कंपनी के बेबी फूड में बड़ी होशियारी दिखाई है कंपनी ने। इंग्रीडियंट्स जो हैं उनमें एडिड शुगर का तो जिक्र ही नहीं किया और ना ही कुल शुगर कितनी है इसके बारे में कुछ लिखा है। हाँ,
इतना जरूर लिखा है कि प्रति 100 ग्राम में 79.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होने का दावा किया गया है। ये सब वो कंपनियां हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बच्चों को बेच रही हैं, उसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। बाजार में बिक रहा सातवां डेंजरस बेबी फूड योगा बार कंपनी का है। इसमें इंग्रेडिएंट्स में रागी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें शुगर कितनी है और क्या ये बच्चों के लिए हेल्दी है, इस पर गौर कीजिए। योगा बार बेबी फूड में प्रति 100 ग्राम कितनी एडिड शुगर है, कंपनी ने इसका उल्लेख पैकिंग पर किया ही नहीं है। प्रति 100 ग्राम बेबी फूड में कुल 1.3 ग्राम शुगर है, जबकि प्रति 100 ग्राम बेबी फूड में 84.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र है। यानी कंपनियां ग्राहकों को संपूर्ण जानकारी देने से बचती हुई दिख रही हैं और ग्राहक भी कई बार इसका ध्यान नहीं देते। आठवां बेबी फूड न्यूट्रिका कंपनी का है, नाम है ऑप्टामिल गोल्ड, जो बाजार में धड़ल्ले से बिकता है। शुगर टेस्ट में ये कितना घातक है या नहीं, अब ये नोट कर लीजिए। न्यूट्रिका के ऑप्टामिल गोल्ड में एडिड शुगर 13.4 ग्राम है, कुल शुगर की मात्रा 46 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट्स 59.6 ग्राम है। तो ये हमने सबकी स्कैनिंग करके आपको बता दी। अब पटियाल की टीम बच्चों के लिए हानिकारक बेबी फूड का लाइव परीक्षण करेगी। हर माँ के बच्चे की चिंता करने वाली रिपोर्टर मेघा उपाध्याय ने ग्राउंड जीरो पर जाकर यह किया है, वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज ने बेबी फूड में ज्यादा शुगर की मात्रा को लेकर मुहिम छेड़ी है, जिसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम ने हमने नेस्ले में जो ज्यादा शुगर की मात्रा बेबी फूड में रहता है उसको लेकर शो भी बनाया, जिसके बाद तस्वीरें क्या कुछ है क्योंकि हम मार्केट में गए और हमने पड़ताल किया। आप जरा देखिए तो इस वक्त हमारे पास कई बेबी फूड है जो ये दावा करते हैं, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। ये स्लर्प कंपनी का है, ये इंडियन कंपनी है। वही मेरे हाथ में आप जरा देखिए तो ये न्यूट्रिशिया का है, ये भी बेबी फूड है। इसको दरअसल इन्फेंट फॉर्मूला यानी कि दूध की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आप दूसरी कंपनीज अगर मेरे हाथ में देखिए तो ये भी अबट का है, ये भी अबट का है और ये भी एडवांस फॉर्मूला है। लेकिन ये तमाम जितने भी मेरे हाथ में इस वक्त बेबी फूड है, इनके अगर मैं इन्ग्रीडियंट्स पढ़कर आपको बताऊँ तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है इसके शुगर की मात्रा पर। मैं अगर बताऊँ तो इसमें तकरीबन 25.3 ग्राम शुगर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। WHO की रिपोर्ट के माने तो 1-2 साल तक के बच्चे को 0 एडेड शुगर देना चाहिए, यानी कि ऊपरी शुगर आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये स्लर्प का सीरियल है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, इसमें अगर आप शुगर की मात्रा देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसमें एडेड शुगर 9 ग्राम है पर 100 ग्राम्स में, यानी कि एक बॉल जो अपने बच्चे को खिलाते हैं उसमें तकरीबन 9 ग्राम शुगर है और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो 79.9 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी शुगर होता है और उसके बाद एडेड शुगर जो बच्चों के कटोरे में उनके अंदर जाता है, ये कितना ज़्यादा अनहेल्दी है। इससे कई गंभीर बीमारियाँ जिसमें डायबिटीज, लंग्स को और बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का खतरा, ऐसी कई गंभीर बीमारियाँ होती है। अब ये एबट कंपनी है, ये भी छोटे बच्चों के लिए आप देखिए फॉर्मूला बनाती है। इसके अगर शुगर की मात्रा को हम देखें यहाँ पर इनके इंग्रेडिएंट्स में जाकर तो नज़र आता है कि इनके अब ज़रा नज़र डालिए तो नज़र आता है इनमें टोटल शुगर 44.1 ग्राम है, यानी तकरीबन हर आप जो एक कटोरी बॉल अपने बच्चे को खिलाते हैं उसमें तकरीबन 20 ग्राम से ज़्यादा शुगर है। और वहीं कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूं तो तकरीबन 56 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब मेरे हाथ में एक और एडवांस फार्मूला है, ये भी एबट कंपनी का है और ये सीरियल की तरह छोटे बच्चों को खिलाया जाता है दूध में मिलाकर। अब ज़रा इसकी तस्वीरें देखें तो ये इसमें जो शुगर है इसका शुगर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एडेड शुगर यहाँ पर 30 ग्राम है और वहीं पर कार्बोहाइड्रेट इसमें 40 ग्राम से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में एक तो ऑलरेडी शुगर जा रहा है और उसके बाद एडेड शुगर। ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में इसकी वजह से कई बीमारियाँ होती हैं और छोटे बच्चे कम उम्र के साथ डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो मैंने आपको इस वक्त दिखाए ये तकरीबन ये 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, वहीं ये
जीरो यानी कि जन्म लेने के बच्चे के बाद से लेकर 2 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। वहीं ये जो सेरेलैक है, ये सेरेलैक भी 2 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। ये सब रेडी टू ईट फूड है, यानी कि आपको दूध में या पानी में मिलाकर डायरेक्ट अपने बच्चों को देते हैं। और ये तमाम कंपनियां अगर यहाँ पर नज़र डालें तो इसने यहाँ पर दावा किया है नो रिफाइंड शुगर, उसके बावजूद इसमें शुगर इतनी ज़्यादा है। और आप देखिए इनका पैकेजिंग, तो यहाँ पर कहीं भी मैंशन नहीं है कि इसमें शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा है। आप सारे प्रोडक्ट पर अगर नज़र डालेंगे तो किसी पर भी शुगर को लेकर कोई रेड लेबल नहीं है, और उसके बावजूद इनमें शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि आपके बच्चे को खतरनाक बीमारी हो सकती है। बाजार से कमियों पर सत्य का सीधा प्रसारण आपने देखा। 8 नए बेबी प्रोडक्ट्स में जो कमियां सामने आई हैं उन्हें लेकर हमारी रिपोर्टर रिया NCPCR पहुंची, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये बच्चों के अधिकार की शीर्ष संस्था है जिस पर बच्चों के साथ होने वाली किसी भी गलती को रोकने की जिम्मेदारी भी है। बेबी फूड की कमियों पर आयोग का क्या कहना है, सुन लीजिए आप। भारत में बाजारों में बिकने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स की पड़ताल करते वक्त जब ABP न्यूज ने पाया कि स्लर्प, एबर्ट, नेस्ले और न्यूट्रिशिया जैसे ब्रांड्स भारी मात्रा में शुगर के साथ अपने बेबी फूड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो हमने फिर एक बार NCPCR का दरवाजा खटखटाया। हमें जवाब मिला कि NCPCR पहले ही इस मामले का संज्ञान ले चुका है और इस संबंध में FSSAI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। FSSAI को जो पत्र लिखा गया है उसमें पहला सवाल तो यही किया गया है कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं बेबी फूड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और वो क्या प्रोडक्ट्स बेचती हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल किया गया कि भारत में इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए FSSAI की क्या गाइडलाइंस हैं। इन सवालों के जवाब का अभी इंतजार है। फूड के मामले में एडल्ट शुगर का जो विषय आयोग के संज्ञान में आया है वो गंभीर प्रकृति का है। इससे जुड़े अन्य भी कई सारे विषय NCPCR के संज्ञान में आ रहे हैं और हमने इस पूरे मुद्दे पर पिछले हफ्ते FSSAI को एक नोटिस जारी किया है, उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। हमने उसमें उनसे पूछा है कि कुल कितनी कंपनियां भारत में इस तरीके के इन्फेंट फूड्स बनाती हैं, क्या गाइडलाइंस की पालना की जाती है उनको लाइसेंस देने के पहले। हम FSSAI के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब FSSAI का जवाब आएगा तो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक रिकमेंडेशन सरकार को प्रेषित की जाएगी। 7 दिन में जवाब मांगा था लेकिन अभी शायद मिला नहीं है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के खाने का प्रचार करना, TV या और किसी जरिए से विज्ञापन देना कानूनन अपराध है। इंडिया इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एक्ट के तहत ऐसा करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन बेबी फूड बनाने वाली कंपनियां किसी से नहीं डरती। इसका परीक्षण भी हमारी टीम मेघा उपाध्याय के साथ जाकर हर माँ और उसके बच्चे के हित में किया। पब्लिक इंटरेस्ट के मुहिम के बाद सामने आया कि न केवल शुगर की मात्रा ज्यादा है बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा बच्चों को दिए जा रहे हैं। दरअसल भारत में इसको लेकर कोई रूल या रेगुलेशन, कड़ा कानून नहीं है जिसकी वजह से इतना ज्यादा अमाउंट छोटे बच्चों के खाने में शुगर के माध्यम से जा रहा है। वहीं मैं दूसरे देशों की बात करूँ यानी कि अमेरिका, यूरोप, UK, तो वहाँ पर नेस्ले और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, जो सेम प्रोडक्ट इंडिया में बेचे जाते हैं, वहाँ पर जीरो शुगर है। वहीं इंडिया और आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, चाहे मैं पाकिस्तान है, अफ्रीका की बात करूं, यहां की तमाम कंट्रीज में बच्चों के खाने में हद से ज्यादा शुगर पाया गया है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं, तो जरा आप मेरे हाथ में जो बुक है इसमें नजर डालिए। यहां पर आपको नजर आएगा इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स इन्फेंट फूड रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992। दरअसल ये एक्ट ये दावा करता है, ये एक्ट के तहत कोई भी छोटे बच्चे का प्रोडक्ट जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, यानी कि ये इलीगल है, इसको लेकर कोई प्रचार नहीं बना सकते, कोई भी ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर सकते। उसके बावजूद अगर मैं दिखाऊं तो ये इंस्टाग्राम है और इसके माध्यम से ना केवल छोटे बच्चे को खाने को प्रमोट किया जा रहा है बल्कि इस वीडियो में छोटे बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ज़रा नज़र डालिएगा, जैसे मैं फ्रॉम खोलूँ यहाँ पर, तो सीरियल जो कि तकरीबन 2 साल तक के बच्चों को, 6 महीने से लेकर 2 साल
साल तक के बच्चों को दिया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर एडवर्टाइज किया गया है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि छोटे बच्चों के खाना जिसमें हद से ज़्यादा शुगर है, हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, उसको इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिसके बाद छोटे बच्चों को खाने में शुगर दिया जा रहा है, जिसको लेकर हमने फसाई को मेल भी किया। फसाई वो संस्था है जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी लेती है, जिसको लेकर फसाई ने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। बेबी फूड पर BPNI यानी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं। कानून का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसने अननेसेसरी जो फॉर्मूला अगर प्रमोशन होता बिकता उसको रोक लगा दी है, उसके सेल्स को। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से सपोर्ट है टू प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, टू प्रोटेक्ट मदर्स एंड बेबीज एटलीस्ट अप टू 2 years ऑफ एज। अब आप जितने भी एड्स अगर आप मार्केट में देखेंगे, जैसे आपने सेरेग्रो का ऐड देखा होगा या कोई भी बेबी फूड का ऐड अगर आपने टेलीविजन पे देखा है, तो वो ऐड हमेशा 2 साल से ऊपर के बच्चों का होगा, 2 साल से नीचे के बच्चों का नहीं होगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। लेकिन कंपनी नए नए तरीके ढूंढ लेती है और उन्हें पता है कि आप कहाँ कहाँ तक उन तक पहुँचेंगे। तो इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम आजकल सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ मदर्स भी हैं और बहुत सारे मदर ब्लॉगर्स भी हैं जो आ गए हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि वो अगर एक सेरेलैक का डब्बा रिव्यू कर रहे हैं वो भी एक ऑफेंस है। कानून कड़ा है फिर भी कंपनियां बेबी फूड का प्रचार प्रसार करती हैं। 8 बेबी फूड में शुगर की समस्या पर पटियाल ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, उसे भी आपको सुनवा देते हैं। शुगर वो एक्चुअली मेन रीजन जो है उनका टूथ डीके, दांतों के ऊपर जो है अफेक्ट आता है, उनके हार्ट और धमनियों के ऊपर अफेक्ट आता है, इवन ब्रेन के ऊपर भी जो है कुछ एक्सटेंट तक प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबेसिटी है जो कि आजकल जो है बहुत प्रचलित है। 50% बच्चे जो हैं मोर देन नॉर्मल वेट से डबल वेट तक आ रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत ट्रेंड है। इंडिया में FASSI है, ठीक है, और ICMR है, उनकी गाइडलाइन जो हैं वो प्रॉपर मेरा ख्याल नहीं हैं और वो उनके ऊपर जो है अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इसी वजह से ये कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया में अपनी मनमानी कर रही हैं। ये निजी कंपनियां इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं? वो नियम कायदे के खिलाफ उत्पाद बेचती रहती हैं भले ही इससे देश के बच्चों का नुकसान हो। इस पर पटियाल ने कंज्यूमर एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता से भी बात की, उन्होंने जो कहा अब वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। इसी में ही आ जाता है ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स का रोल, जो कि अपने आप को किसी ना किसी तरीके एक रिप्लेसमेंट बताते हैं कि मदर्स को या फादर्स को घर से बाहर काम पे जाना होता है, कन्वीनियंस के लिए करते हैं। दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे नेचुरल हैं, प्योर ये हेल्दी हैं, तो उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट अच्छा है हमारे खाने के लिए। तो बच्चे तो चीनी हैं, उनको स्वाद लगता है, वो खाते हैं, इसलिए वो प्रमोशन एक तरह की काम आ जाती है उनके। आपकी हेल्थ से हो रहे खिलवाड़ की पड़ताल आपने देखी। अब पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी सेफ्टी से जुड़ी बेहद अहम खबर का परीक्षण करेगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गाड़ी की टक्कर हो रही है। टक्कर के बाद क्या होता है? एयरबैग सिस्टम खुलता है और आपको एक बड़े हादसे से बचाता है। गाड़ियों में एयरबैग सिस्टम का यही काम होता है, आपको हादसे से बचाना। आप सोच रहे होंगे हम ये सब आपको क्यों समझा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नकली एयरबैग्स बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, उसकी पूरी फैक्ट्री को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने माता सुंदरी रोड के पास झुग्गियों पर छापा मारा, वहां पर बड़ी मात्रा में नकली एयरबैग्स निर्माण हो रहा था। पुलिस ने सोचा कि शायद ठेके पर काम हो रहा होगा, असली मालिक कोई और हो, लेकिन यहां काम करने वालों ने कोई भी वर्क लाइसेंस नहीं दिखाया, तो इस पर शक गहरा गया। छापे में गाड़ियों के एयरबैग्स का एक बड़ा स्टॉक भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से BMW कंपनी की गाड़ियों के 13 नकली एयरबैग्स जब्त किए हैं। इसके अलावा निसान के 23 नकली एयरबैग्स मिले हैं, टाटा के 32 नकली एयरबैग्स मिले हैं, हुंडई के 66 नकली एयरबैग्स मिले हैं, MG गाड़ी के 12 नकली एयरबैग्स मिले हैं,
सुजुकी के 86 नकली एयरबैग्स इस फैक्ट्री से बरामद किए गए हैं। इनमें से कई कंपनियों की गाड़ियां आप भी इस्तेमाल करते होंगे। पुलिस ने कुल मिलाकर 921 एयरबैग्स जब्त किए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 4 साल से ये काम वहां पर हो रहा था, सोचिए कितनी ही गाड़ियों में ये नकली एयरबैग्स लग गए होंगे। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में लगी है कि ये फर्जी एयरबैग्स का जाल आखिर कहां तक फैला हुआ है। ये बेसिकली पहले स्क्रैप का काम करते थे और फिर वो इस चीज़ को सीख गया कि ये एयरबैग्स कैसे बनाया जाए। ये जो एयरबैग बनाने के जो पूरी प्रोसेस है वो इन्होंने एक तरीके से ओवर द ईयर से पिछले 3-4 साल से इस काम को करके सीख रहे थे और ऑल ओवर इंडिया इस तरह के वर्कशॉप्स को यहाँ से सप्लाई कर रहे थे। अब ये समझिए कि नकली एयरबैग से क्या नुकसान हो सकता है, इसके लिए हम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट आदिल दारूवाला के पास चलते हैं। वो विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या होती है नकली एयरबैग से। गाड़ियों में नकली एयरबैग फिट करने का जो मकसद है वो सेफ्टी कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते और सबसे ज्यादा में ज्यादा जो हम लोग अहमियत देते हैं कार्स में सेफ्टी के लिए इज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। नकली एयरबैग्स कभी इंजरी प्रिवेंट नहीं कर सकते, वेरी वेरी डेंजरस। एवरीथिंग जो यह पॉइंट करता है इज टू ट्राई टू मेक अ क्विक बक और वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है ऑक्यूपेंट्स के लिए और सभी कार यूजर्स के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात पब्लिक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अचानक मंच पर बेहोश हो गए। महाराष्ट्र के यवतलाम में नितिन गडकरी मंच पर भाषण दे रहे थे। नितिन गडकरी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं और अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरूड के लिए निकल चुका हूं। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अब न्यूज यू कैन यूज, जिंदगी को आसान बनाने वाली खबरें। मियां बीबी के झगड़े को रोकने और तलाक को उनके ना होने देने के लिए नोएडा पुलिस ने एक रिश्ते कैफे की शुरुआत की है। ये कैफे टूटे रिश्तों में मिठास भरने का काम करेगा। कैफे में मीडिएशन एंड काउंसलिंग सेंटर भी बनाया गया है। पॉजिटिव कोट्स लिखे हुए हैं ताकि लोग जब यहाँ पे आए तो इधर उधर जब देखें तो उनको चारों तरफ से पॉजिटिविटी मिले। वो यहाँ पे बैठें, आपस में जो भी उनके मतभेद हो वो यहाँ पे दूर करें और अपने जीवन को अच्छे से चला सकें। पब्लिक इंटरेस्ट में कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।